हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तकसीम खान। ये एडोब इलस्ट्रेटर का तीसरा क्लास है। ये सिलेक्शन टूल का दूसरा पार्ट है। सिलेक्शन टूल के पहले पार्ट में हमने देखा था स्क्वायर और रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं, पॉलीगॉन टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसमें कलर कैसे फिल करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम सिलेक्शन टूल की मदद से कुछ सर्कल, कार या फिर वैन बनाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं रेक्टेंगल टूल में और हम यहाँ से रेक्टेंगल बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लिया और इसमें एक कोई कलर फिल कर देते हैं। जैसे यहाँ से हम रेड कर देते हैं। इससे पहले दोस्तों आप कलर कई जगह से फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ कलर फिल का पैनल आ रहा है, अब यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। या फिर कलर गाइड का पैनल आ रहा है, अब यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपली करना चाहते हैं तो यहाँ से फिल पे डबल क्लिक करें, उसके बाद आप यहाँ से, जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया और रेड कलर फिल कर दिया। उसके बाद दोबारा से हम सिलेक्शन टूल में जाएँ, इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि चारों कोने पे एक कर्व बन के आ रहा है, एक पॉइंट है, कर्व बन के आ रहा है। इसके लिए क्या करें, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, हमने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट दबाया और इस कर्व पे मैंने पकड़ के थोड़ा अंदर कर लिया। जो पॉइंट था, कर्व था, उसको पकड़ के थोड़ा मैंने अंदर कर लिया। और उसके बाद दोबारा से हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के लिए हम अल्ट दबाएंगे और इसकी एक कॉपी ले लेंगे। जो हमने कॉपी लिया है इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए शिफ्ट दबाएंगे और हम यहाँ से पकड़ के इसको छोटा कर लेते हैं। हमने यहाँ से इसको पकड़ के छोटा कर लिया और हम यहाँ ले जाके रख देते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं इसमें स्ट्रोक आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि दोनों पार्ट अलग अलग हैं। ये इसमें स्ट्रोक आ रहा है, दोनों पार्ट अलग अलग हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पर हम पहले हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे जो स्ट्रोक आ रहा था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम एलिप्स टूल का इस्तेमाल करेंगे। एलिप्स टूल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे और एक सर्कल बना लेंगे। हमने एक सर्कल बना लिया और इसका हम कलर कोई दे देते हैं। जैसे हमने इसका कलर दे दिया ब्लैक, इसका ब्लैक कलर दे दिया। दोबारा से हम सिलेक्शन टूल में आ गए। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट की है वी, और उसको हम उठा के यहाँ ले जाके रख देंगे। इसको आप चाहें तो थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। हम शिफ्ट और अल्ट दबाएंगे, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। इसको हमने थोड़ा और बड़ा कर लिया। अब हम अल्ट दबाएंगे और इसकी एक कॉपी ले लेंगे। इसकी हमने एक कॉपी ले लिया और यहाँ रख दिया। इसको थोड़ा हम आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एक हम इसी तरह एक सर्कल और बनाएंगे। एलिप्स टूल की मदद से शिफ्ट दबाएंगे और हमने एक सर्कल और बना लिया। अब इसका कलर हम व्हाइट देंगे नहीं, व्हाइट इसकी कलर दे देते हैं। और हम दोबारा से सिलेक्शन टूल पे जाते हैं और इसको पकड़ के हम यहाँ लाके छोड़ देते हैं। इसको हम साइज में रख देते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमें गाइड कर रहा है, स्मार्ट गाइड हमें गाइड कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे बीच में सेंटर लिख के आ रहा है, ये गाइड कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपके इलस्ट्रेटर में गाइड नहीं कर रहा है तो आप ये व्यू पे जाएं और स्मार्ट गाइड आप यहां से ऑन कर दें। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। अब हम इसकी एक कॉपी चाहिए, इसके लिए हम अल्ट दबाएंगे, इसको उठा के हम यहां यहां रख देंगे। अब हमें जरूरत पड़ेगी रेक्टेंगल टूल की, तो हम रेक्टेंगल टूल एक बना लेते हैं। हमने एक रेक्टेंगल टूल बना लिया और सेम उसी तरह इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के जो कर्व था इसको हमने थोड़ा अंदर कर लिया और यहाँ ले जाके रख दिया। जिस व्हाइट कलर में इसे करना था मैंने व्हाइट किया है। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप अपने मनपसंद कलर दे सकते हैं। अब हम आल्ट दबाएंगे और इसको एक कॉपी कर लेंगे। अगर आप इसके मजीद में यानी इसके बराबर से बहुत सारी कॉपियाँ देनी है तो हम कंट्रोल डी का कर इस्तेमाल करेंगे, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कंट्रोल डी,
बहुत सारी कॉपियां बनती जाएंगी, लेकिन हमें इतनी कॉपी की जरूरत नहीं, इसलिए हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। कंट्रोल जेड अंडू का शॉर्टकट है। अब हमने इसकी चार कॉपियां बना ली, दो तीन चार, चार कॉपियां बना ली। अब हम बीच वाले को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा इसको हम बड़ा कर देंगे। इसको हमने यहाँ तक बड़ा कर दिया। आप चाहें तो इसमें स्ट्रोक भी दे सकते हैं। स्ट्रोक देने के लिए आप शिफ्ट दबाएंगे, इनको चारों को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप जो भी कलर देना चाहें स्ट्रोक में, जैसे ब्लैक है तो मैं ब्लैक दे देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रोक आ चुका है। इसके अलावा भी एक और आप सर्कल बना सकते हैं, चाहे तो आप इसी को एक अल्ट दबाएं और यहाँ कॉपी कर दें। कॉपी करने के बाद इसका हम कलर बदल देंगे। कलर बदल के हम यहाँ ब्लैक कर देंगे इसका। हमने इसको ब्लैक कर दिया और इसको थोड़ा हम शिफ्ट अल्ट दबा के छोटा कर देते हैं। उसके बाद दोबारा से ला के हम यहीं छोड़ देते हैं और हम दोबारा से अल्ट दबाएंगे। इस तरह ला के कर देते हैं। अब हमें छोटी छोटी चीजें अगर ध्यान में रखनी है, जैसे नट बोल्ट वगैरह, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलिप्स टूल में जाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। हमने एक छोटा सर्कल बना लिया। इसका कलर हमने वाइट दे दिया यहाँ से, और इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं पकड़ के और ला के यहाँ छोड़ देते हैं। और दोबारा से हम अल्ट दबाएंगे, इसकी एक दूसरी कॉपी ले लेंगे, फिर अल्ट दबाएंगे और कॉपियाँ ले लेंगे। यानी इस तरह के आप बहुत सारी कॉपियाँ इसमें बना देंगे। चलिए मैं इसमें बना देता हूँ। हमने इतने सारे बना दिए, बस हमें इसको थोड़ा एडजस्ट करना है, थोड़ा आगे पीछे। इसके लिए हम थोड़ा इधर एडजस्ट कर देते हैं। अब हमें जो हमने ये छोटा सा सर्कल बनाया है, जो नट बोल्ट बनाया है, हम इसको सारे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट दबाएंगे और इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इन सभी को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। हमने इन सभी को सिलेक्ट किया। अब हम अल्ट दबाएंगे और इनकी एक कॉपी लेके यहाँ रख देंगे। तो आप देखेंगे सेम टू सेम अल्ट दबा के उसी तरह कॉपी आ गई, हमने यहाँ रख दिया। तो इस तरह हमारा वेन बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों आप भी इसी तरह एलुस्ट्रेटर में अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। हमारा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके समझ में आना चाहिए, इसलिए हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबी हो जाए, तो इसलिए प्लीज़ गुस्सा ना करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले आपको, इसलिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।